भारत में सबसे भ्रष्ट सरकार अगर कहीं पर है तो झारखंड के अंदर। जरा शर्म करो, शर्म करो। जो पैसा गरीब आदिवासियों के विकास के लिए है, जो पैसा हमारे पिछड़े वर्ग के गरीब भाइयों के लिए, दलित भाइयों के लिए, वो पैसा आज घमंड कर दिल्ली के दरबार में पहुंचा रहे हो। हेमंत बाबू, जनता के 1000 आंख और 1000 कान होते हैं, जनता है जो सब जानती है। एक बार चुनाव के मैदान में आ जाओ, दो दो हाथ कर लो, झारखंड की जनता आपको हटाने के लिए तैयार बैठी है। घुसपैठिए घुसकर आदिवासियों की जमीन हत्या रहे हैं, आदिवासी बच्चियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, और ये वोट बैंक की लालच में मुस्कुराते हुए हेमंत सोरेन इसको देख रहे हैं। आदिवासियों की संख्या घट रही है, घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है, ये बहुत चिंता का विषय है। झारखंड के अंदर जनसंख्यिकी नहीं बदलने देंगे, ये झारखंड जिनका है उसी का रहेगा, ये भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है। बहन नव द्रौपदी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू मनाकर समग्र देश के आदिवासियों का सम्मान किया है। पहली बार आजादी के बाद राष्ट्रपति भवन के अंदर एक गरीब घर की महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनकर दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष का स्वागत कर रही है। ये केवल आदिवासी भाइयों के लिए नहीं, देश के हर गरीब के लिए बहुत बड़ी बात है। हर गरीब का सम्मान है, आदिवासियों का सम्मान है। मित्रों, अभी जो सरकार चल रही है झारखंड में, मैं कोई झिझक के बगैर कह सकता हूं, हेमंत बाबू कान खोलकर सुन लो, मैं कोई झिझक के बगैर कह सकता हूं कि सरकार भारत में सबसे भ्रष्ट सरकार अगर कहीं पर है तो झारखंड के अंदर। मित्रों, अटल जी ने झारखंड को बनाया था एक सपने के साथ कि झारखंड का विकास होगा, यहां के दलित, यहां के आदिवासी, यहां का पिछड़ा वर्ग जो सालों से अन्याय सहन करता था वो अन्याय का निवारण होगा। रघुवर जी की सरकार, अर्जुन मुंडा की सरकार ने शुरुआत तो अच्छी की, फिर से हेमंत बाबू आ गए। अरे भाई, कोई मंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है तो भ्रष्टाचार करता है तो हाथ से करता है, इन्होंने तो ट्रैक्टर और रेलवे के वेगन से भ्रष्टाचार करना शुरू कर दिया। जरा शर्म करो, शर्म करो। जो पैसा गरीब आदिवासियों के विकास के लिए है, जो पैसा हमारे पिछड़े वर्ग के गरीब भाइयों के लिए, दलित भाइयों के लिए, वो पैसा आज घमंड कर दिल्ली के दरबार में पहुंचा रहे हो। हेमंत बाबू, जनता के 1000 आंख और 1000 कान होते हैं, जनता है जो सब जानती है। एक बार चुनाव के मैदान में आ जाओ, दो दो हाथ कर लो, झारखंड की जनता आपको हटाने के लिए तैयार बैठी है। मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हेमंत बाबू सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं करते हैं, मत बैंक की लालच में यहां की जनसंख्यिकी भी बदल रहे हैं, डेमोग्राफी चेंज हो रही है, घुसपैठिए घुसाकर आदिवासी और पिछड़े बहुल एरिया क्षेत्र में आदिवासियों की और पिछड़ों की संख्या कम हो रही है, घुसपैठिए घुसकर आदिवासियों की जमीन हत्या रहे हैं, आदिवासी बच्चियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, और ये वोट बैंक की लालच में मुस्कुराते हुए हेमंत सोरेन इसको देख रहे हैं। हेमंत बाबू, ये जो आप कर रहे हो उसको पूरा झारखंड समझता है, झारखंड के पिछड़े वर्ग का हर 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 युवा समझता है, हर बच्ची समझती है, आदिवासी भी इसको समझते हैं। और साहिबगंज, पाकुड़ा, गोंडा, दुमका और जामताड़ा के अंदर आदिवासियों की संख्या घट रही है, घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है, ये बहुत चिंता का विषय है। और अब आदिवासियों की संख्या
35% से घटकर 24% रहेगी, और इसके साथ साथ पिछड़े वर्ग की संख्या में भी कमी आई है। और मित्रों, अब ये जो घुसपैठिए जमीन कब्जा रहे हैं, इसके सामने तो हेमंत बाबू बोलने की हिम्मत ही नहीं रखते हैं, क्योंकि उनकी वोट बैंक और उनकी साथी पार्टी कांग्रेस पार्टी उनको रोक रही है। मगर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये नहीं होने देंगे, झारखंड के अंदर जनसंख्यिकी नहीं बदलने देंगे। ये झारखंड जिनका है उसी का रहेगा, ये भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है।